थैंक यू सो मच. आप सभी को मेरा नमस्कार. आई होप आप सब ठीक है और मुझे तो अच्छा लग ही रहा है क्योंकि मैं फिर से घर आ गई हूँ. भागलपुर आ गई हूँ अपने और आज मैं परफॉर्म करने वाली हूँ. ये हमारा जो नागरिक विकास समिति का 25 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं हम और ये भागलपुर महोत्सव का चौथा साल है और मुझे फिर से एक बार मौका मिला यहाँ पे आके परफॉर्म करने का, तो मैं सबकी बहुत आभारी हूँ. मैम, मेरा पहला सवाल है कि पिताजी आपके डॉक्टर हैं, माताजी जो हैं, माँ जो हैं, वो हाउसवाइफ हैं, और आपका इस फील्ड में आना? दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. दोनों एक्चुअली चाहते थे क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी और पर उनको कभी उनको इसको प्रोफेशन बनाने का कभी मौका नहीं मिला सिंगिंग को. तो उससे मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है मुझे. और मेरे पापा तो गाने के शौकीन है बहुत ज़्यादा, हालांकि उनको गाना आता नहीं है, पर सपोर्ट 100% था. तो और मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे टीचर्स, मैं जिस स्कूल में थी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे मुझे कि म्यूज़िक को मैं प्रोफेशन बनाऊँ. तो इतना हौसला था तो उसको लेके मैं आगे बढ़ गई. मैम, आपके आइडियल कैलाश खेर और श्रेया घोषाल जी हैं, तो ऐसा क्या था जो आपको उन्होंने प्रभावित किया? एक्चुअली देखिए, श्रेया घोषाल तो बहुत मीठा गाती है, तो जो मीठा गाने वाले हैं ना, तो मुझे बहुत पसंद है हमेशा से. ऐसा नहीं कि और कोई पसंद ज़्यादा है नहीं, पर अभी तो इतने सारे नए नए सिंगर्स आए हैं. कैलाश जी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है इस कारण से क्योंकि बहुत अलग है और फोक सॉन्ग, सूफी सॉन्ग्स उनकी आवाज़ में बहुत सूट करता है. तो वो एक अलग टाइप की आवाज़ है उनकी. तो उस चीज़ से मैंने हमेशा इस इंडस्ट्री में रह के मैंने अभी सीखा है कि आपकी आवाज़ किसी और से नहीं मिलना जुलना नहीं चाहिए. आप अपनी एक पहचान बनाओ, अपनी एक खुद की आवाज़ होनी चाहिए कि जो लोग जिसे सुने और बोले कि नहीं, ये तो इसकी आवाज़ है. ऐसा नहीं कि अरे आपकी आवाज़ तो श्रेया घोषाल जैसी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और मैं इस बात को मानती भी नहीं हूँ. और जितने भी सारे आर्टिस्ट्स हैं जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगी कि अपनी पहचान बनाओ, किसी और के तरह गाने की कोशिश मत करो, खुद के तरह गाओ, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स के साथ गाओ. मैम, कुछ साल पहले आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि स्टेज शो के दौरान कैमरा फेस करने में आप कुछ नर्वस हो जाती हैं. ये तो पहले की बात है. अब तो मैंने कहा कुछ साल पहले आपने. जी, क्योंकि मैं बाय नेचर बहुत शाई थी और बहुत रिजर्व्ड थी और इसीलिए शायद ऐसा मुझे लगता था. तो सिर्फ कैमरा नहीं, लाइव ऑडियंस को भी अगर फेस करना पड़ता था तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, मैं नर्वस हो जाती थी, कभी कभी गाने का ट्यून भूल जाती थी, लिरिक्स भूल जाती थी. पर थैंकफुली अभी ऐसा कुछ नहीं होता है. मुझे उसी ऑडियंस से जिनसे मैं डरती थी, उन्हीं ऑडियंस से मुझे अभी हौसला मिलता है, अच्छा लगता है, बातचीत करने में मज़ा आता है. तो अब मैं परफॉर्म जब करती हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहती हूँ और मज़े लेती हूँ. तो अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है. मैम, भागलपुर वासियों के लिए सिल्क टीवी के माध्यम से आप कुछ अगर कहना चाहती हैं तो? गाने तो बहुत कुछ है. ये एक बहुत ही, ये सवाल जो है ना, मुझे जब भी किया जाता है मैं सोचने बैठ जाती हूँ कौन सा गाना गाऊँ, क्योंकि इतने सारे फेवरेट हैं. पर करंट फेवरेट मैं गाऊँगी आप सबके लिए, जो भी सिल्क टीवी के दर्शकों के लिए. ये एक स्पेशल गाना, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया. सही में मज़ा आ गया आपके साथ बात करके. और आई होप आज कि सिल्क टीवी के जितने भी दर्शक हैं यहाँ आए थे मेरे परफॉर्मेंस देखने के लिए, मैं यही चाहूँगी कि मेरा गाना सुनने के लिए आए मैं जब भी आऊँ. और बाकी मुझे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मेरा गाना उनको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा. आई होप ऐसे हम जुड़े रहें एक दूसरे के साथ. जी, तो आप सिल्क टीवी देख रहे थे. मैं भी चाहूँगा कि आप हमारे देश की शान है और भागलपुर की आन बान शान. मैं भी चाहूँगा आपके सुनहरे स्वर्णिम भविष्य के लिए कामना करता हूँ. बहरहाल, आप हमें सिल्क टीवी पर देख रहे हैं. मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सलमान अनवर है. अगर आप हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.